हेलो एवरीवन, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर। तो आज का चैप्टर हमारे पास चैप्टर 5 सोल ट्रेडर। क्लियर है? बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो आइए जरा देखते हैं कि एक्चुअली में इस सोल ट्रेडर का मतलब क्या होता है। क्लियर है? पहले अगर हम लोग मीनिंग की बात करें तो सिंपल सी, अगर मीनिंग में जैसे नाम के चैप्टर के नाम में पूरा चैप्टर छुपा हुआ है, सोल ट्रेडर मतलब एक कोई एक ऐसा इंसान, शायद कहे कि आपके दादाजी या आपके फादर ने कुछ ऐसा किया होगा कि सारा कुछ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट एक इंसान करता है, फाइनेंस कैपिटल अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए वही इंसान कलेक्ट करता है, उसी के लिए जूझता भी है। क्लियर है? जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, जितना भी जो मैनेजमेंट होता है, जो भी जितनी मैनेजरियल स्किल्स जितनी भी उसको आती, जिसने भी अपने अपने जीवन में से सीखी है, वो सारा कुछ अपनी उस दुकान में लगा देता है। तो व्हाट इज द सोल ट्रेडर, इसका मतलब क्या है कि जितना भी जो भी काम को जो भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ परिवार का एक इंसान कर रहा है, उस इंसान के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सारी जिम्मेदारियां हैं कि उसे अपना बिजनेस चलाना है और इतने अच्छे ढंग से चलाना है कि मतलब आगे उसकी जो जनरेशन आने वाली है उसके लिए भी वो फोकस्ड रहे और वो जनरेशन भी उसका वो बिजनेस चला पाए आराम से। क्लियर है? सो दिस इज द सोल ट्रेडर, मतलब अकेले ही दम पे काम करना, अकेले ही इतने इतना उसके अंदर करेज होना कि वो आराम से वो जो चैप्टर है वो अपना स्टार्ट कर सकता, सॉरी चैप्टर बोला, कंपनी जो है बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है। क्लियर है? तो आइए जरा देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। सोल ट्रेडर इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिवली फॉर हिमसेल्फ, ही अलोन एस्टैब्लिशेस द बिजनेस, अरेंजेस इट्स फाइनेंसेस, मैनेजेस इट्स अफेयर्स एंड बियर्स ऑल इट्स रिस्क। सारे रिस्क उसके होते हैं क्योंकि बाकी जितने भी लड़के रखे हुए हैं ना वो तो वेजेस या सैलरी पे होंगे, और अगर मुनाफा हुआ तो सोल ट्रेडर का, नुकसान हुआ तो भी सोल ट्रेडर का। क्लियर है? ही एक्ट्स बोथ एज द ओनर एंड मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस, ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है? अकेले ही वो इंसान पूरा रिस्पॉन्सिबल है हर एक तरीके से। क्लियर? ठीक है? ही मे बोरो फंड्स एंड एम्प्लॉय people to help him, but the ultimate authority and the responsibility lie in his hand. Sole trader business is thus is one man show. सही बात है, ठीक है? ये one man show है और आपको ये सारा कुछ करना होता है, जितना भी profit है वो भी आपके हाथ में, और अगर loss होता है तो वो भी आपके ही हाथ में। आपने जो लड़के रख रखे हुए हैं, जितने भी लोगों को आपने जो employment दिया हुआ है, तो वो आपको सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करना, उन सजेशंस को एग्जीक्यूट करना, दैट इज टोटली अप टू यू। क्लियर है? तो आइए जरा एक देखते हैं प्रोफेशनल डेफिनेशन क्या क्या है इसमें। बहुत सारे उसके डेफिनेशन दी हुई है, तो हम लोग पहले डेफिनेशन उठाते हैं। द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ विच स्टैंड्स एन इंडिविजुअल एज वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, who directs its operation and who alone runs the risk of failure, given by L.H. Hane. Clear है? तो मतलब जितना भी जो failure वगैरह होते, जितना risk होता है, वो अकेले उस person का ही होता है। Clear है यहाँ पे? आते हैं next topic पे, that is the characteristics of the sole trader. ठीक है? क्या-क्या characteristics है? ये देखते हैं। तो सबसे पहला है single ownership. मालूम है सिंगल ओनरशिप, मालिकाना सिर्फ एक के पास होता है। नेक्स्ट है वन मैन कंट्रोल, ऑल द कंट्रोल लाइज ओनली ऑन द वन मैन। क्लियर है? तो वहां पे जो पावर क्या होती है हमारी, वहां पे सेंट्रलाइज होती है। क्लियर है? एक आदमी से जो भी वहां पे उस बिजनेस को लेकर के कोई भी अगर डिसीजन होगा तो हमेशा उस आदमी से पूछा जाएगा, उस ओनर से पूछा जाएगा, बिना उसकी मर्जी के कोई भी वहां पे काम। ठीक है? नो लीगल एंटिटी, कि यहाँ पे कोई भी लीगल एंटिटी नहीं है। क्या लिखा हुआ दिया हुआ इसमें कि असोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑफ इट्स ओनर, द लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोप्राइटरशिप एंड इज बिजनेस। क्लियर? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इसकी कैसी है? अनलिमिटेड, बिकॉज वहां पे वन मैन शो चल रहा है, तो भाई साहब आप कुछ भी अपने दुकान में कर सकते हो, आप शॉप कर सकते हो, तो मतलब जो भी चीज होंगी वो आपकी, आपको ही करना, तो आपका वहां पे कोई पार्टनर तो नहीं, आप उसको डिवाइड कर दोगे, तो जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज में आती है। क्लियर है? नो प्रॉफिट शेयरिंग, सारा प्रॉफिट एक ही आदमी का है। क्लियर है? स्मॉल इन साइज, ठीक है? कभी भी जब हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमेशा एक छोटे से लेकर के चलते हैं, जैसे आप हल्दीराम ले लो, कोका कोला ले लो, पेप्सी ले लो, जब भी ये लोग स्टार्ट किया होगा उन्होंने बिजनेस तो एक छोटे से चालू किया होगा ना, जैसे अमेजोन,
फ्लिपकार्ट एक गैराज से चालू किया था बुक बेचने से लेकर के, आज देख लो इतने बड़ी जायंट कंपनीज है, क्लियर है। तो वहां पे जब भी वो स्टार्ट करते तो वो हमारे एक छोटे साइज में होता है, हाँ इन फ्यूचर वो बढ़ सकते हैं। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें ऐसी कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है, क्लियर है, और ना ही ऐसी कोई एजुकेशन की जरूरत होती है, ठीक है, बस एक्सपीरियंस अनुभव काम आता है यहाँ पे, समझे, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेड ऑफ बिजनेस, क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, कैसे होता है। सोल ट्रेड ऑफ बिजनेस इज स्टार्टेड बाय द इनिशिएटिव ऑफ अ सिंगल पर्सन, ही प्रिपेयर्स द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस एंड अरेंजेस द नेसेसरी फाइनेंसेस। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। एनी इंडिविजुअल कैन स्टार्ट अ बिजनेस व्हेनेवर एंड व्हेयरएवर ही लाइक्स। हाउएवर द सोल ट्रेडर मस्ट बी अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। द बिजनेस टू बी कैरीड ऑन मस्ट बी अलाउड बाई द लॉ। ऐसा भी नहीं कि अफीम और चरस बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो तो मतलब वो एक नियम कायदे कानून के साथ और उस वो जो लॉ है वो उस आपकी कंट्री का वो उसको अलाउ करना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन का मतलब क्या दिया हुआ है कि आप कोई भी कंपनी या बिजनेस स्टार्ट करो या कुछ भी छोटा मोटा काम स्टार्ट करो, जैसे हम लोग ले लेते हैं ओला, स्विगी, जोमैटो। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया तो नॉर्मल सी बात है कि अपने उस शहर में पहले स्टार्ट किया होगा, उस शहर के बाद 2 शहर, 3 शहर, 10 शहर किए होंगे, फिर उन्होंने 50 शहर किए, फिर उसके बाद स्टेट में, देन कंट्री। आज देख लीजिए ये इतनी बड़ी कंपनीज हो गई कि ये अब अब्रॉड में भी काम करती हैं, क्लियर है। तो ये हम लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी डेफिनेटली ग्रोइंग अप, क्लियर है। हम लोग अगर काम अच्छा रहेगा तो नॉर्मल सी बात है जनता अगर हमें प्यार करेगी तो हम लोग आराम से उसको ग्रो करेंगे ही करेंगे, क्लियर है ऐसा। तो यहाँ पे आपके पास एक कोका कोला का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, हल्दीराम का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज है कि कोका कोला जब एक सिरप बनाया गया था, एक सिरप डेवलप किया गया था जिससे कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब पिएगा तो बहुत ठंडा ठंडा और अच्छा लगता है, एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक थी वो, क्लियर है। तो उसको बेचा गया, तो वही चीजें हैं, वही टपका कोका कोला और आज कोका कोला, क्लियर है। तो मतलब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये कि हम अपनी चीजों को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने उस चीज को और कैसे अच्छा कर सकते हैं। हल्दीराम जब ये स्टार्ट हुआ तब इन्होंने भी भुजिया बेचने से ही चालू किया, तो नॉर्मल सी बात है जब इन्होंने भुजिया या दाल मोट अगर ये बेच रहे हैं तो शायद कहिए कि शायद इन्होंने ठेले पे बेचना चालू किया होगा, क्लियर है। ठेले पे बेच रहे हैं, ठेले से फिर उन्होंने एक छोटी सी दुकान ली होगी, गुमटी ली होगी, फिर उन्होंने शॉप ले ली, ठीक है। एंड देन करते 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 जब इनके बच्चों ने इनका काम देखा तो फिर इन्होंने उसको एक बड़ी कंपनी बना दी। तो और आज हल्दीराम किसी की भी नाम की मोहताज नहीं, हल्दीराम इटसेल्फ अ बिग ब्रांड नेम, क्लियर है, ठीक है। तो दिस वॉज द ऑल अबाउट द फॉर्मेशन, क्लियर है। तो हमें अपनी कंपनी के लिए टाइम रहते एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, एक ऐसा अच्छा डिसीजन, एक ऐसा मैनेजमेंट हमारे पास होना चाहिए जो कि हमारी उस कंपनी को ग्रो करा सके, स्टैंड करा सके, मार्केट में कॉम्पिटेंसी रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब हमने तो मतलब ऐसे आग बंद काम कर रहे थे और चलता जा रहा था, फिर अचानक से हमारा कोई कॉम्पिटिटर आया, उसने हम लोग को ओवरटेक कर लिया, हमारी कंपनी बंद नहीं, ठीक है। हमें खुद को भी देखना है, अपने प्रोडक्ट को भी देखना है, अपनी सर्विस को भी देखना है और साथ ही साथ अपने अगल बगल के मार्केट को भी देखना है कि हमारा मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो क्या लेकर के आया। क्या हल्दीराम की सिर्फ आलू भुजी आती है? नहीं ना, अलग अलग नमकीन आती है, अलग अलग पैकेट्स में आती है, छोटा पैकेट, 5 रुपए का पैकेट, 10 का पैकेट, 1 किलो का, आधा किलो का, 5 किलो का भी आता है। तो ये हमें देखना चाहिए एक्चुअली में लोगों की रिक्वायरमेंट्स है क्या, लोग क्या चाहते हैं हमसे, ठीक है। तो हर एक चीज हम लोग फिगर आउट करना चाहते हैं, फिगर देखते हैं और कहाँ कहाँ पे हमारे वक्त आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे कौन से कस्टमर को या कंज्यूमर को हमारा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हटाओ ना अपनी लिस्ट से, क्यों रखा हुआ है वहां पे, क्यों भीड़ भड़ा के रखी हुई है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोल ट्रेड ऑफ बिजनेस, क्लियर है। तो यहाँ पे अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला है भाई साहब टू क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जिसको कुछ नहीं सोचा तो उसने मतलब एक काम स्टार्ट कर दिया, हाँ भाई चलो हम अपना कम से कम एक रोजगार तो हो गया, ठीक है, खुद भी काम कर रहे हैं और 10 को काम और दे रहे हैं अलग से, क्लियर है। दैट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। टू यूटिलाइज द फंड्स, ठीक है, हमें अब एक जो फंड्स होता है उसको भी यूटिलाइज करना चाहिए, एक एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि हम लोग उससे और प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं,
इंडिपेंडेंट लिविंग, क्लियर है, किसी गुलाम नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जैसा मन करेगा वैसे कंपनी चलाएंगे और जैसा मन करेगा वैसे जिएंगे। इंडिया है आराम से, डेमोक्रेसी है भाई साहब, ठीक है। टू सर्व कस्टमर्स, क्लियर है, टू सर्व कस्टमर मतलब कि हमेशा हम लोग सर्विस मोटिव के हिसाब से आएंगे कि भाई साहब हमें कस्टमर को सर्व करना है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है, क्लियर है। तो उस चीज को हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। तो मतलब यही चीज है कि जब कस्टमर को अगर वो चीज हमें अच्छी लगे तो हम लोग उसको और अच्छे से दें, ठीक है। और क्या हम लोग अपने उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नया लेकर के आ सकते हैं, कुछ नया टेस्ट लेकर के आ सकते हैं, कुछ नया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस या हो सकती है, या एसेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, ठीक है। तो वेल्थ का मतलब ये है कि भाई साहब अच्छे से, मतलब अगर आपको बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा मालिक ही रख लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपनी कंपनी को ग्रो करा रहे हैं तो आपकी कंपनी को ग्रो कराने में जिन भी एम्प्लॉयज का हाथ है आप उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, ठीक है। उनको भी आप कंपनी में शेयर दे सकते हैं, ई शॉप अभी जब आएंगे आप देखेंगे ई शॉप, या अपने उस कंपनी में पार्टनर भी बना सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो आप उनको मतलब भी कि एक फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं कि ताकि आपका जो एम्प्लॉय है वो आपसे जुड़ा रहे, आपसे कभी टूट के ना जाए किसी दूसरी कंपनी में, क्लियर। फीडर टू द लार्ज बिजनेस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो फीडर होते हैं ये हमारी कंपनीज क्या होती है, अगर हमारी कंपनी छोटी है या हमने छोटी से स्टार्ट किया हुआ है तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितने भी बड़े बड़े जो जॉइंट्स कंपनी है हम लोग उन बड़ी जायंट कंपनी को हम लोग एक सपोर्ट रोल में लेकर के आए, बिकॉज एक जायंट कंपनी तभी बनती है जब उसके पास एक 10 छोटी छोटी कंपनी से कॉन्टैक्ट होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट वहां पे क्यों होंगे, वो तभी होंगे जब आप उनके साथ काम करो। तो शायद कहिए कि आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप भी एक दिन बड़ी बन जाओ, क्लियर है। तो दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोल ट्रेड ऑफ बिजनेस, क्लियर है। अब हम आते हैं मेरिट्स पे। अब इसके मेरिट्स क्या क्या है, कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ हमारे पास डीमेरिट्स भी होंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो मेरिट्स क्या है कि सबसे पहले हमारे पास इजी फॉर्मेशन, आराम से बन जाती है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, ना ही इनमें कोई भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती कि नहीं भैया आपको 12th पास या 10th पास या पीजी या यूजी होना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्लियर है। मोटिवेशन टू द वर्क, ठीक है, हम लोग खुद का काम कर रहे हैं, यही हमारी लाइवलीहुड है, वी आर द सेल्फ एम्प्लॉयड, तो हम लोग खुद ही इतना हाईली मोटिवेटेड रहते हैं कि किसी की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, क्लियर है। तो वही चीजें होती हैं कि वी आर जस्ट टू हाईली मोटिवेटेड फॉर आवर वर्क। क्विक डिसीजंस, जब पावर सारी एक ही हाथ में होती तो हम लोग आराम से जो निर्णय होता है वो अपनी कंपनी के हित में ले सकते हैं, क्लियर है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल इजी है, ठीक है। सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स, क्लियर है। तो जो भी आप काम कर रहे हो जब सारी पावर एक ही हाथ में है तो जितना भी जो भी चीजें चलती है ना वो एक ही दिमाग में चलती है, ठीक है। 10 को वो कभी नहीं बताता कि नहीं मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ या ये करने जा रहा हूँ। पर्सनल टच, ठीक है, आप खुद भी पर्सनल जज करते हो, देखते हो कि भाई साहब हमारी जो कंपनी है कहाँ पे लैग कर रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, या हमें हमारी कंपनी कहाँ पे अच्छा कर रही है, तो वो हमें मतलब इंडिविजुअली हम उसको देख सकते हैं। दैट इज अ वी आर जस्ट गिविंग देम द पर्सनल टच, क्लियर है ऐसा। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, क्लियर है। तो ऑपरेशंस को लेकर के फ्लेक्सिबल भी होते हैं कि हम लोगों ने कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, ठीक है, या कौन कौन से हमें ऑपरेशंस करने हैं, या हमें जब इसकी डिमांड हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की अगर डिमांड ज्यादा तो हमें उसका डिमांड और सप्लाई और बढ़ानी चाहिए, क्लियर है ऐसा। इकोनॉमी, तो मतलब एक इकोनॉमी रहती है, क्या है कि द प्रोप्राइटर इज द ओनर मैनेजर्स एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, ही डज नॉट अपॉइंट स्पेशलिस्ट फॉर द वेरियस फंक्शंस, क्लियर है। तो इकोनॉमी मतलब जो भी अगर काम वो कर रहा था तो उसको हर एक थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबकी रहती है, मार्केटिंग की भी रहेगी, मैनेज भी कर लेगा, मैनेजर भी खुद ही बन जाएगा, कैपिटल रेजर भी खुद ही बन जाएगा, सब कुछ खुद ही कर लेता है। तो मतलब ऑल इन वन वो कुल मिला के वो छोटा रजनीकांत होता है, और नॉर्मल सी बात है, हम लोग भी होते हैं, आप लोग भी होते हैं, आप लोग भी कभी कभी बिजली का स्विच खराब हो गया तो मान लो खोल खा कर तार जोड़ लिया, लो भैया हो गया, पैसे बच गए इलेक्ट्रिशियन के, क्लियर है। घर में काम वाली बाई नहीं है तो पोछे लगा लिया, तो सब कुछ कर रहते हैं हम लोग, मिडिल क्लास वाले जो ना सब कुछ कर लेते हैं, मतलब यूजर फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। हर एक घर में मतलब आराम से आपको एक रजनीकांत तो मिल ही जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा काम सब कुछ हो जाता है, क्लियर है। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है इसमें सबसे कम होता है, जिससे कि और नवा सी बात है, आपको मान लो जो छोटे बिजनेस होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनमें गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस कम होता है, जिससे कि वो हम लोग अपना काम एफिशिएंटली कर सकें। इजी डिसोल्यूशंस, ठीक है।
So it is a very simple and the convenient to dissolve up the sole proprietorship. No specific legal formalities or the regulations are involved in the dissolution. ठीक है, आराम से आप बंद भी कर सकते हो, तो उसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत होती नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट है सोशल यूटिलिटी. क्लियर है. तो जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम लोग खुद के लिए, कोई इंडिविजुअल 2, 4, 10 लोगों के लिए नहीं कर रहे होते, हम लोग पूरी एक सोसाइटी के लिए कर रहे होते हैं. तो अगर हम लोग सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, तो देन वी आर जस्ट हैविंग द सोशल. क्लियर है. तो यहाँ पे हमें एक देखना चाहिए हमारी सोसाइटी को क्या काम चाहिए. क्या सोसाइटी को ओला चाहिए थी? चाहिए थी, तो आ गई. सोसाइटी को क्या घर बैठे खाना चाहिए था? चाहिए था, तो जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया. ठीक है. तो अगर सोसाइटी को वो काम चाहिए जो हम काम कर रहे हैं, अगर सोसाइटी को, लोगों को पसंद आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे सोसाइटी और अच्छे से ग्रो कर सके. क्लियर है. अच्छा, मेरिट्स हम लोगों ने देख लिए, कुछ इसके पास डिमेरिट्स भी होते हैं. क्लियर है. ये भी जरा देख लेते हैं क्या क्या होते हैं डिमेरिट्स. डिमेरिट्स ऑफ अ सोल प्रोपर्टरशिप क्या है कि सब भाई साहब, लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज. सबसे पहला है लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज. भाई साहब कहिए कि कोई एक पर्सन है, उसके पास कुछ लिमिटेड कनेक्शंस होंगे. ठीक है. तो जो लिमिटेड कनेक्शंस होंगे, तो वो शायद कहिए कुछ कम पैसे ही लेके आ पाएगा. अगर ज्यादा लोग होते, तो वो अपने अपने कनेक्शन से भी वो कुछ फंड्स रेज कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि जब मालिक है गए, तो जितने कनेक्शंस होंगे, अगर उसके पास 10 कनेक्शन है, वो 10 से ही कैपिटल लेकर के आ सकता है. क्लियर है. ऐसा लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. तो वो हर एक, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वो काम तो सब कर सकता है, लेकिन वो किसी भी एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता. क्लियर है. तो शायद ये कि जो मैनेज करना उसके वो बस की बात ना हो. इसमें क्या दिया हुआ है? वन पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द बिजनेस. ऑल द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन बिजनेस आर रेयरली फाउंड इन वन इंडिविजुअल. क्लियर है. तो हाँ, ठीक है, नो डाउट, रजनीकांत आप बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बस ये कि आप हर एक फील्ड में, हर एक डिपार्टमेंट में उस बिजनेस के आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते. क्लियर. नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी. भाई साहब बहुत कुछ काम करना पड़ता है, तो अकेले ही इंसान को काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फंड्स भी देखने पड़ रहे हैं, अफेयर्स भी देखने पड़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन भी देखना पड़ रहा है, मार्केट को भी देखना पड़ रहा है, जितने उसने एम्प्लॉय को हायर किया हुआ उनको भी देखना पड़ता है. तो मतलब जान की जोमत होती है भाई साहब उसको. तो मतलब इतना वो बेचारा वो काम करता है कि भाई साहब कभी कभी वो सोचता है कि वो इस कंपनी का मालिक है, कि वो भी एक एम्प्लॉय है यहाँ पे जो इतना काम करना पड़ रहा है. क्लियर है. अनसर्टेन लाइफ. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है अनसर्टेन लाइफ. अनसर्टेन लाइफ का मतलब ये है कि जब तक भैया सोल ट्रेडर या सोल जो आदमी जो जिंदा है, जो मालिक है, तब तक तो ठीक है. अगर जहां उसकी अनसर्टेनली डेथ हो गई, तो शायद कहिए कि वो बिजनेस ही पूरी तरीके से तहस नहस हो सकता है या पूरा डिसॉल्व हो सकता है, बिकॉज अब उसको आगे लेकर के जाने वाला कोई है नहीं. क्लियर है. जब है नहीं, तो यहाँ पे वो उस बिजनेस की लाइफ में, उस बिजनेस के फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है. क्लियर है. नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेड स्कोप फॉर द एक्सपेंशन. क्लियर है. तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी कंपनी अच्छा काम करे, अच्छा परफॉर्म करे, तो ठीक है. बट एज वी हैव टोल्ड अर्लियर दैट द सोल ओनर इज नॉट द रजनीकांत. तो अगर आपके हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, तो आपको ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. कंपनी ग्रो और कंपनी जॉइंट तभी बनती है जब आप हर एक डिपार्टमेंट में एक स्पेशलिस्ट रखोगे. क्यों ऐसा जरूरी होता है स्पेशलिस्ट रखने के लिए? बिकॉज वो अपने एंड से, अपने डिपार्टमेंट से आपको रिपोर्ट देता है कि हाँ भाई साहब, ये हमारा डिपार्टमेंट की आपकी ये रिपोर्ट है, तो आपको ऐसे काम करना चाहिए या ऐसे काम करना चाहिए. जब आप काम ही काम चलाओ वाला कर रहे हो, तो आपकी कंपनी कैसे ग्रो कर सकती? नॉर्मल सी बात है. क्लियर. वहां पे कंपनी ग्रो करने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो बस यही एक चीज हो सकती है कि अगर आपकी कंपनी को, खुद की या जो बिजनेस जो भी आप कर रहे हो उसको बड़ा करना है, तो आपको एक रिटेन्ड अर्निंग का सहारा लेना चाहिए. क्लियर है. वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है. तो वही चीजें हैं कि अगर आप कंपनी बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अपने अलग अलग डिपार्टमेंट पे एक्सपर्टीज रखने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी कंपनी को ग्रो होने में सहायता मिल सके. क्लियर है. ठीक है. तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं. एंड आई होप कि आपको अभी तक का जो वीडियो अच्छा लगा होगा. और अगर वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी कर लिया करो. ठीक है. चलिए फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं. टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच.